नमस्कार खाना गरमा गरम को आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। आज मुझे झुडुंग आलु रे गोटे बहुत बढ़िया रेसीपी तैयारी करके देखेबी जहाँ को आपण मैंने भात रुटी सबुति खाई डेरी न करके एबे आसंतु जल्दी से रोसी आरंभ करबा। एही रेसीपीटा करबा पई मुठारे प्रथमे किछि झुडुंग आनोटी मीडियम साइज रो आलु नेकी तार चोपा चांची देछि आउ एबे आसंतु ए सबु को भल भाबरे धोई सरिला परे याकु एबे आमे काटि दबा। जमीक आपखिपे एति लंबा रखिक मो झुडुंग को एठारे काटी आटि सर एलु को बड़ बड़ साइज रखिकी काटिदेवी। केमी कम टाइम आहजरे गोटे टेस्टी रेसीपी बनई पारे से अनुसार मुझे रेसीपी सब तैयारी करके देखा। तो दर्शक बंधु जदि आपण मानक आज मोर यही रेसीपी पसंद आसवे निश्चय गोटे लाइक करेंगे आ चेल जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने को आद भूल। तो सब परिबा काटी सरिला परे गोटे मसला बटा तैयारी करिबा पई मुठारे गोटे कटा होता टमाटो यहीपर साइज खंडे अदा आ कि रसुण नहीं जाता सहित गोटे कंचा लंका पकईकी सबू को अभी पूरा प्लेन करके देखु यहीपर भाव बाटी। यहीपर मसला बटा तैयारी करी एवं गैस अन कर गोटे कड़े प्रथम देदे कि सोरस तेल अल्प समय पर जितेबले तेल गरम होते काटिकी रखि झुडुंग को एकी गैस को पूरा लो फ्लेम रखिकी या भाजीद बेसी सीझला पर्यंत मुटा भाजबी यार जमी कलर टा ग्रीन कलर होमती यू खाली दुई रु तीन मिनिट पर्यंत भाजी एवं देखु गोटे प्लेट को काढ़ी दूची। तापर आम जो आलु को काटिकी रखी ताकूर पकईकी टी खाली लुण पकईदी जमीक आलुटा आम जल्दी सीझीजी। तो यठार आलु सीझी जा हाल्का लाल कलर होगा पर्यंत मुझीदेवी। किसी समय पर जमीक आपण मैंने देखिपे आलु सीझी आसला तेल एटाक आउ बेस समय न भाजिकी एवं सांगे सांग काढ़ गोटे प्लेट रखिदेवी। भाजी सरिला परे एही बड़का होता तेल ही मुझे पकईदेपर साइज खंडे डालचीनी फाड़े तेजपत्र आउ अल्प जीरा पकईदी जितेबले एसबू भल भाव भाजी होते गोटे कटा होता पिज पकईकी पिज को मुठारे टिके भाजीदेवी। आउ तापर एबे पकईदी अल्प हलदी गुंड हाफ चमच लंका गुंड हाफ चमच जीरा धनिया गुंड पकईकी भल भाव मिसाई सारा मुझे टिके खाली पानी पकईदेवी। पानी देले कौन हम ना आम जो ए मसला सब पकईचे से सब न जलिकी भल भाव से कषि हो पार। किसी समय पर जितेबले धीरे धीरे तेल अलग हाबाक लगे से आम जो मसला बटाटा तैयारी करदेद ग्यास्टा आम लो फ्लेम सेमती मसला को एबे भल भाव कषिद टिके समय पर जितेबले मसलार जो कंचा स्मेलटा थाए से चलीगले आम ए जो आलु को भाजिक रखी थी से सब को देकी आउ खाली गोटे मिनिट पर्यंत रांधिद आउ तापर जाए पकेबा स्वाद अनुसार लुण। दर्शक बंधु एटा बहुत ही सिंपल रेसिपी घरे थरे ट्राई करके देखु एत टेस्टी लगे आउ थे आपण मैंने या निश्चय इच्छा करेंगे। बर्तमान मुझे भजा होता झुडुंग को देदेली आउ मसला सहित यटा को मिसाई देकी ग्रेवी पानी एड करदेवि। जीहेतु मुझा झुडुंग आलुर कषा बनईबी से मु गोटे कप पानी एड करी जदि आपण मैंने ग्रेवी अधिका रखा चाहूंटे दुई कप पानी एड करें मिसे दे एबे ढांकुनी बंद करी याकु टिके खाली फुटिबा पई छाड़ दबा। एबे हमरो ए रेसिपीटा प्राय रेडी ही आसिलानी शेषरे एथिरे आमे पकेई दबा अल्प खाली गरम मसला गुंड आउ भल भाबरे एटाकु मिसे देकी आउ खाली दुई मिनिट पर्यंत रांधि दबा। बर्तमान आमर झुडुंग आलुर यह स्वादिष्ट कषा एवं पूरापूरी रेडी आउ घरे खाली थरे यही उपाय रेसीपीटा को तैयारी करके देखु देखिए समस्ते खाइबा को बहुत पसंद करेंगे यहाँ एत टेस्टी बनी थाए। ताहले एबे तो एटा हे आसला शेषे किछि कटा होता धनिया पत्र पकई सरला परे एबे आसंतु याको प्लेट रे आमे गरमा गरम सर्व करिबा।
देखिबाको एटा जेमिति भल लागुछि खाइबाको मध्य सेतिकी टेस्टी लागिथाय त घरे थरे याको ट्राई करंतु आउ खाइ सरिला परे केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन निश्चय जणांतु आउ जदि किछि अलग रेसिपी आपण माने देखिबाको चाहु चोंति ताहेले मते सेटा कमेंट सेक्शन ने जणै परिबे मु आपण मानकु तयारी करिकि देखैबि। तो आज रेसीपी आपड़ी भल लगला तो वीडियो को बहुत सारा लाइक करूँ सेयर करूँ आउ खाना गरमा गरम को सब्सक्राइब करने को आद भूलुनि पुणी थे मुझे मो नेक्स्ट वीडियो रे गोटे बहुत बढ़िया रेसीपी या देखी। तो से पर्यंत रहुची, नमस्कार।